शुरुआत कली से होती है, जिंदगी की शुरुआत प्यार से होती है, प्यार की शुरुआत अपनों से होती है और अपनों की शुरुआत आपसे होती है। इट्स द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स अप्रोचिंग दिवाली विच इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड विद जॉय एंड एंथुसियाज्म। दिस फेस्टिवल सिंबलाइजेस द विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस एंड गुड ओवर एविल। नमस्ते, मैं हूँ आयशा। एज यू नो दिस फेस्टिवल लास्ट फॉर 5 डेज, तो मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ दिवाली के कुछ खास जानकारियाँ, पूजा विधि और महत्व एवं विशेषताएं। दिवाली में घर को खूबसूरत बनाने के लिए फूल, लाइट आदि से सजाते हैं। इनमें से एक और चीज़ है जिसके बिना दिवाली का पर्व अधूरा माना जाता है, वो है रंगोली बनाना। रंगोली बनाने की प्रथा साल दर साल से चलती आ रही है। रंगोली विभिन्न चीज़ों का इस्तेमाल करके बनती है। रंगोली में आटा, फूल, पत्तियाँ के साथ साथ रंगों का भी इस्तेमाल किया जाता है। रंगोली में स्वास्तिक, कमल का फूल, लक्ष्मी जी के पद चिन्ह, मोर जैसे कई तरह के चिन्ह बनाए जाते हैं। प्राचीन दृष्टिकोण से समझे तो रंगोली एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है रंगों के जरिए भावों को दर्शाना। भारत में कई जगहों पर रंगोली को अलपना कहा जाता है। अलेपना भी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है लीपना या लेपन करना। माना जाता है कि देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए दिवाली के मौके पर हर घर में रंगोली बनाई जाती है, क्योंकि रंगोली को धन समृद्धि का कारक माना गया है। जानिए घर में रंगोली के पीछे क्या है महत्व। कहा जाता है कि रंगोली बनाने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। देवी देवताओं के स्वागत के लिए, खासकर माँ लक्ष्मी जी के लिए, घर के आंगन के लिए रंगोली मुख्य द्वार में बनाना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि रंगोली बनाने से व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव एनर्जी अधिक उत्पन्न होती है, जिससे तनाव मुक्त हो जाता है। धनतेरस से लेकर दिवाली तक रोजाना स्नान करने के बाद घर में मुख्य द्वार के दोनों ओर माँ लक्ष्मी के चरण को बनाना शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हम पे हमेशा बनी रहती है। रंगोली में विभिन्न तरह के फूल या रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में आसपास का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा का अधिक संचार होता है, जिससे घर में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन और सेहत पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस दिवाली पर भी आप जरूर रंगोली बनाइए अपने द्वार पे। तो प्यारे दर्शकगण, दिवाली से जुड़ी विशेषताओं को भी और भी गहराई से जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आयशा को आज्ञा दीजिए, MBC की पूरी टीम से आप सभी को हैप्पी दिवाली। नमस्ते।